सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। सामाजिक एवं प्रशासनिक स्तर से नदी तालाब एवं मंदिर के समीप स्थित छठ घाट की साफ सफाई शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि नालंदा जिले के बिहारशरीफ प्रखंड के बियावानी कोसुक एवं सिलाव प्रखंड के बड़गांव में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा छठ घाट का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि छठ व्रती माताओं वहनों के सुख सुविधा के लिए हर संभव बिहार सरकार प्रयास कर रही है और लगातार सरकार के द्वारा छठ घाटों की साफ सफाई के साथ साथ वहां व्यवस्था करवाया जा रहा है। मौके पर उन्होंने अधिकारियों को छठ घाट की साफ सफाई, बैरिकेटिंग, अस्थाई शौचालय, चेंजिंग रूम एवं लाइटिंग की व्यवस्था कराने के साथ साथ जगह जगह पर ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि छठ पर्व को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। अर्घ अर्पण करने में छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए सरकार सारी मुकम्मल व्यवस्थाएं करने में जुटी हुई है। इसके अलावा सुरक्षा के भी इंतजाम छठ घाटों पर किए जाएंगे, जिसको लेकर भी नालंदा जिला प्रशासन को कई आवश्यक दिशा निर्देश बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री ने दिया। इस अवसर पर बिहार शरीफ के प्रखंड विकास पदाधिकारी अंजन दत्ता, सिटी मैनेजर परमानंद प्रसाद, बिहार शरीफ नगर जिला जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष गुलरेज अंसारी, मुख्य प्रवक्ता धनंजय देव, प्रखंड अध्यक्ष संजय कुशवाहा, जगलाल चौधरी, मनोज मुखिया, मंटू कुशवाहा, शैलेंद्र प्रसाद, रंजीत कुमार के अलावे कई ग्रामीण उपस्थित रहे। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार वियावानी कोसुक और वड़गांव छठ घाट का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान उनके द्वारा अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा रहा है ताकि छठ महापर्व के मौके पर छठ व्रती माता एवं बहनों समेत श्रद्धालु एवं मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, जिसको लेकर पूरी व्यवस्था कराई जा रही है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।